टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे शहर के कलवा इलाके में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2.5 करोड़ रुपए के हाथी के दांत ठाणे क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है। अब पुलिस यह तलाश कर रही है कि ये दोनों आरोपी हाथी के बेशकीमती दांत कहां से लाए थे और किसे बेचने जा रहे थे। पकड़े गए हाथी दांत के जो वजन है वो करीब 1.5 किलो है और लंबाई करीब 34.5 सेंटीमीटर है। पुलिस ने जिन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है, इनमें से एक 42 वर्षीय जो है वो मुंबई का रहने वाला है और दूसरा 40 वर्षीय है वो ठाणे इलाके का रहने वाला है। इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच के अनिल देशमुख ने दी है, आपको सुनाते हैं। कल यूनिट वन, क्राइम ब्रांच यूनिट वन को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दो व्यक्ति जो है हस्तीदर्द लेकर कलवा पुलिस स्टेशन के गोली मिशन में शिवाज चौक में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने फील्डिंग लगाकर उनको पकड़ा। उनके पास एक हस्तीदंत जिसके ऊपर कलाकृति की हुई एक मूर्ति है जिसकी तकरीबन कीमत 2.50 करोड़ इतनी है। दोनों को पोजीशन में लेके जो उनको इंट्रोगेशन किया गया था और एक जिसमें इम्पोर्टेंट एक्यूज है उसको पकड़ने के बाद आगे की कार्रवाई। इसमें एक प्रमुख आरोपी है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, उसको अरेस्ट करने के बाद इसमें तस्करी करने वाले कितने लोग हैं, कितने इन्वॉल्वमेंट है इनकी, इन्होंने कहाँ कहाँ पर जाके शिकार वगैरह की है, ये सब मालूम करना है। अभी तो हमने एक ही हस्पिटल पाया है जो एक वर्ली वाला है अमित वर्लीकर और दूसरा सागर पाटिल बोल के कलवा का है, लेकिन मेन एक्चुअली जो अभी एक्सटर्नल है उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बाद बाकी मुझे तो पूरा इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो गया। कलवा में आए थे